माशाल्लाह आज तीसरा दर्स है ज़कात के ताल्लुक से, ज़कात किस किस को देना है। मैंने बताया कि ज़कात के ताल्लुक से बहुत सारी गलतियाँ आवाम के अंदर हैं। ये गलती ये कि ज़कात के पैसों को अनाज ख़रीद लेते हैं, कपड़े ख़रीद लेते हैं और जो और भी कोई चीज़ खरीद कर या छुट्टा कर लेते, 10 रुपये 20 रुपये जो भी मांगने वाले आते हैं उसको डाल के भेजते हैं। ये तमाम चीज़ें गैर मशरू हैं, सही नहीं हैं। ज़कात का एक अहम मकसद क्या है कि किसी के आप ज़कात के पैसों से इतनी मदद कर दें कि वो उठ के खड़ा हो जाए। चार आदमी मिले मोहल्ले में, एक छोटी दुकान चला रहा था, मिसाल बता रहा हूँ, गरीब मोहताज है, चार आदमी मिलकर मिसाल 50,000 1,00,000 रुपये उसको दे दिए, भाई आप ये ज़कात के पैसे आप अपने बिज़नेस डेवलप करो, इंशाअल्लाह अगर वो मेहनत करा एक साल दो साल के बाद वो ख़ुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, ज़कात देने का हल बन सकता है। ये अहम मकासिद हैं ज़कात के। ये चिल्लर बांटना, अनाज बांटना, उसके लिए सदक़ा है हमारे पास, हदिया है, या जो इमरजेंसी जो फ़ंड हमारे पास मदद करने के लिए शरीयत जो भारती है, ये तमाम चीज़ों में उसको खर्च किया जा सकता है। सवाल ये कि ज़कात किसको दें, तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में, अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 60 सूरह तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने ज़कात किस किस को देना है, अल्लाह ताला ने 8 लोगों की फहरिस्त हमारे सामने रख दी अल्लाह ताला ने। चलिए एक वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नमस्सदकातु लिलफुकरा, फ़कीर की जमा है फुकरा, कहते हैं माशरे का सबसे मोहताज आदमी। बाज़ उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा कि फ़कीर वो है जिसके पास कुछ भी नहीं, निल, ना काम है, ना काज है, ना खाना, ना पीना, लॉस्ट। और शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है इसको कि अल्लाह ताला ने फ़ुकरा को सबसे पहले इसलिए लिखा दिया वो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है माशरे का, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद ये फ़ुकरा होते हैं। तो कहा सबसे पहले फ़कीर को दिया जाए, फ़कीर के माने मोहताज। उर्दू की फ़कीर अलग है उर्दू ज़बान में, और क़ुरान में जो फ़कीर अरबी ज़बान है उसका माना अलग है। फ़कीर के माने मोहताज, ज़रूरतमंद, नीडी, तो नीडी को देना है, ये सबसे पहला है। और दूसरा कहा वल मसाकीन, मिस्कीन, मिस्कीन की जमा मसाकीन है। ये मसाकीन कौन है, ये फ़कीर से सेकेंड लेवल का है ज़रूरतमंद। मिसाल के तौर पर एक वक्त का खाना, एक दिन का खाना उसके पास अवेलेबल है, मतलब आप बस ऐसा वैसा, तो ये भी मोहताज है किसका, ज़कात के पैसों का, ज़कात का। बाज़ उलमा ने मिस्कीन के ताल्लुक जो बात बताई कि मिस्कीन वो आदमी है कि साल भर कमाता है, खर्च कर देता है, एंड ऑफ द ईयर साल के आखिर में उसके बाद कुछ भी नहीं रहता, मतलब कमाना और खर्च करना दोनों बराबर है उसके पास, तो ये भी मिस्कीन में शुमार होगा कि जिसकी कमाई और जिसका खर्च दोनों इक्वल है। मिसाल तौर पर आजकल 15,000 रुपये कोई आदमी नौकरी कर रहा है, मिसाल बता रहा हूँ, आप घर का किराया 4,000 रुपये गया, मिसाल बता रहा हूँ, आउटर की बात कर रहा हूँ, आउटर की बात कर रहा हूँ, 15,000 रुपये कमा रहा, आउटर में रह रहा, मिसाल के तौर पर 4-5 हज़ार रुपये किराया है, ठीक है, खाने पीने के लिए 6-7 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, 1,000 रुपये लाइट के बिल फुला चले जा रहे हैं, 2,000-3,000 रुपये बच्चों के फीस में चले जा रहे हैं, ज़ीरो हो गया उसका, ठीक है ना। तो ये भी मिस्कीन क्या है, मतलब जिसकी सैलरी इतनी कम है या इतनी बराबर है कि साल के आखिर में अगर एवरेज किया जाए तो वो मिस्कीन में आएगा, तो ये भी मसाकीन के अंदर शामिल है। कल एक सवाल आया था, अगर कोई साहिब निसाब हो, उनके पास सोना चांदी है लेकिन ज़रूरतमंद है, क्या हम दे सकते हैं क्या उनको ज़कात। इस ताल्लुक़ से बहुत सारे फतवे ढूँढा ढूँढा ढूँढा, आखिर जो मेरे यहाँ दो फतवे इस ताल्लुक़ से मिलते जुलते मुझे मिले कि शेख सालिह उस्सैमी रहमतुल्लाह ने कहा कि हर साहिब माल कोई ज़रूरी नहीं कि ज़कात देने वाला ही हो, समझ रहे आप, बहुत सारे निसाब को पहुँचने के बावजूद भी समझ रहे आप ज़कात ले सकते हैं। उन्होंने मिसाल देते हुए समझाया कि एक आदमी मिसाल है उसके पास 85 ग्राम सोना है, चांदी, जो भी ज़कात है, लेकिन उसके अखराजात इतने ज़्यादा हैं, समझ रहे आप, इतने ज़्यादा हैं, वो खुद फ़कीर और मिस्कीन के दर्जे पर हैं। तो अगर मिस्कीन और फ़कीर के दर्जे पर समझते हैं अगर आप,
माल होने के बावजूद उसको फ़कीर या मिस्कीन के दर्जे में आप समझते हैं, भाई ये कुछ भी नहीं, आगे पीछे इसको कुछ नहीं मिल रहा, ऐसी सूरत में आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। ये शेख सालिह उसैमिन रहिमहुल्लाह का फतवा है, अल्लाह आलम बिस्सवाब। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ क्लियरिटी, आप जिसको दे रहे हैं, देखो मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ ना, मिसाल बता रहा हूँ, उस पैसों का हिसाब किसको देना है, मुझे देना अल्लाह के पास। हम आयरे गैरे नत्तो गैरे नहीं दे सकते, आप ज़कात के पैसे मस्जिद नहीं बना सकते, आप ज़कात के पैसे मदरसा नहीं चला सकते, आप क्यों नहीं चला सकते, अल्लाह ने नहीं बयान फरमाया इसमें। तो पैसा हम जिसको भी ज़कात के पैसे दे रहे हैं, समझ रहे आप, हमारे पास उसका जवाब रहना, हमारे पास उसका इल्म रहना, वाकई ये मिस्कीन में आया, वाकई ये जो फ़ुकरा में आया, वाकई ये दूसरे जो मद है अल्लाह ने उसमें आया, तो इत्मीनान के साथ आप खुशी खुशी आप उसको दे सकते हैं। देखिए आप, इन्नमा सदक़ातु सदक़ात लिलफ़ुक़रा, फ़कीर के लिए, फ़कीर माने सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद, सबसे ज़्यादा नीडी, मोहताज हैं, आज भी हैं, कितने ठेले वाले मिलेंगे आपको, कितने ठेले वाले हैं दिन को 200 रुपए कमा रहे हैं, अब घर कैसे चलता होगा, इससे मसाकीन है, ढूंढ के देना, ज़कात देना ढूंढ के देने का है, क्योंकि ज़कात लेने वाले जो मुस्तहिक हैं उमन, ये मांगते नहीं फिरते आपको, ये घर दरवाज़ा खड़े पैसे नहीं मांगते, लोग बड़े खुददार होते हैं उमन, ये मसाकीन जिनकी बात हम कर रहे हैं आपको समझ रहे हैं, ये मांगते नहीं आपको, हमको ढूंढना, भाई ये ज़रूरतमंद है, 15,000 रुपये कमा रहा, कैसे इसका घर चल रहा, अच्छा घर तो चल रहा, ईद के मौका है, कपड़े कैसे खरीदेगा, ये फला काम कैसे करेगा, एक छोटा सा लॉजिक इस्तेमाल करें, अपने घर की हालत देखें, उसके घर की हालत को देखें, आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई वो मोहताज ज़रूरतमंद है, आप उनको दीजिए। तो अल्लाह ने कहा फ़ुकरा के लिए दीजिए, मसाकिन के लिए, वलआमिलीना अलैहा, ज़कात के काम करने वालों को दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे अफराद थे जिनके ज़कात के ताल्लुक से बहुत सारे काम थे, मिसाल तौर पर एक आदमी का काम ये था कि जो है गाँव गाँव शहर शहर जाकर ज़कात वसूल करके लेके आना। कुछ अहबाब ऐसे जो ज़कात की लिखाई पढ़ाई करते थे, भाई किसका पैसा आया किसका नहीं आया, कुछ लोग वो थे जो ज़कात की हिफाजत करते थे, खजूर आ गया इतना सारा, कुछ लोग थे जो डिस्ट्रीब्यूशन में थे, मैं इसको देना उनको देना। तो ये जितने लोग ज़कात के ताल्लुक से काम कर रहे हैं ना, आमिलीन, ये तमाम के तमाम ज़कात के पैसों से उनका खर्च दिया जा सकता है, उनके जो अखराजात निकाला जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि उसी मत का फन है ये। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफतु कुलूबुहुम, तालीफ़ क़ल्ब के लिए आप दे सकते हैं। तालीफ़ क़ल्ब के लिए उलमा इकराम ने एक लंबी लिस्ट बनाई, किस किस को तालीफ़ क़ल्ब, कोई आदमी किसी को मुसलमान, कोई जो है गैर मुस्लिम भाई है, मेरे आप बड़ा इस्लाम का दुश्मन है, बहुत गुस्सा था कुरान के बाद नबी, आप उसको जो है ज़कात के पैसे देकर उसकी नफ़रत कम कर सकते हैं आप तालीफ़ क़ल्ब के तौर पर, ठीक है। इसी तरीके से तालीफ़ क़ल्ब सेकेंड वन, कोई आदमी जो इस्लाम के लिए मस्जिद को आ रहा, मतलब आप हमारे साथ काम कर रहा, लेकिन बहुत क्लोज है इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, आप उसको ज़कात के पैसे मदद करके और करीब भी कर सकते हैं इस्लाम के, शरीयत में उसकी इजाज़त। इसी तरीके से कोई जो मुसलमान भाई है लेकिन जो है वो दीन से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं, मतलब आप तौहीद से दूर हैं, इल्म से दूर हैं, आप क्या किए, चलो इस बार ज़कात के पे उनकी मदद करके उनको नमाज को लेकर आएंगे, मस्जिद को लेकर आएंगे, करीब करेंगे, ताकि ये बंदा भी जो है ईमान से मुनव्वर हो जाए, तो आप उस पर भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे दावती काम, इस्लाही काम, अच्छे काम में समझ रहे आप, ये तालीफ़ क़ल्ब के तौर पर आप इन पैसों को दिया जा सकता है। उलमा इकराम ने बहुत लंबी फहरिस्त बताई, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए उसके बाद उफिर रिकाब, गर्दन आज़ाद करने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बाद के ज़माने में समझ रहे आप, लोग ग़ुलाम बना ले जाते थे, समझ रहे आप, लौंडियाँ हैं या जे मर्द हजरात ग़ुलाम बना ले जाते थे, उनको छुड़ाने के लिए एक सिस्टम था, पैसा देकर, समझ रहे आप, पैसा देकर उनको छुड़ाने का निज़ाम था उस ज़माने के अंदर, उस पर आप मदद कर सकते हैं। और इसी तरीके से आज कल बाज़ उलमा ने कहा कि जो नौजवान बच्चे केस वगैरह में जेलों में फंस गए, समझ रहे आप, जेलों में फंस गए, अब उनके वारिसिन जो भी हैं मुतहम्मिल नहीं कि उनको निकाल सके, तो लिहाजा उन चीज़ों की भी जो उनको छुड़ाने में, उनको छुड़ाने में भी जो है गोया वो भी जो गोया ग़ुलाम के दर्जे पर आ गए, आप उन पर खर्च करके
उनको जो है उन पर भी मदद कर सकते हैं आप। ऐसा बाज़ उलमा ने जो है आप फतवा दिया, अल्लाह आलम। उसके बाद देखिए वल गारिमीन कर्ज़दार, कोई भी कर्ज में डूब गया, बिजनेस का कर्ज हो, कोई और कर्ज हो, किसी में फंस गया, किसी में जो है मरे आप, तो उनकी मदद आप कर सकते, करना चाहिए आपको। एक अच्छा आदमी था, अचानक लॉस हो गया, आग लग गई, मिसाल दुकान पे आग लग गई, 3 लाख का माल था, दूसरे दिन जाके देखा 3 लाख का माल तो जो पूरा भूंसा हो गया, पूरा कचरा कोयला बन गया। हम क्या करें, कुछ फंड जमा करें ज़कात के, भाई आपका जल गया, इनको मदद करें आप। इस तरीके से जो के मेरे यहाँ दिवालिया हो जाता है दुकान का, या सूद में फंस कर कर्ज में मुबतला हो गए, कोई भी समझ आप, तो किसी भी तरह के अगर जो कर्ज हो उन पर, आप उनकी मदद इस फंड में आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वफ़ी सबीलिल्लाह से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम के लिए जो जद्दोजहद जारी थी उसके लिए खर्च करना होता था। बाद हदीसों में हज का तज़किरा आया, हज भी जो है फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल है। बाद में उलमा ने कुरान हकीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीन सीखने वाले जो तालिब इल्म हैं समझ रहे आप, इनको भी फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल किया। क्यों? ये अल्लाह के रास्ते में, नबी ने फरमाया ना, कोई आदमी अगर जो घर से अल्लाह के इल्म हासिल करने निकला, अगर वो फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में, उनकी किताब, उनकी फ़ीस, मरिया उनके खाने पीने के अखराजात वगैरह, आप उनको जो है मदद कर सकते हैं फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर, ठीक है। बाज़ उलमा ने उसका फतवा दिया है, ये बहुत तफसील के साथ आप इस मौजू पर आप पढ़ सकते हैं इसको। इसी तरीके से वबनी सबील, मुसाफिर, पुराने ज़माने में क्या है, सफ़र जो है आरामदेह नहीं थे उस पुराने ज़माने के अंदर, चोर लुटेरों का बड़ा तस्करा था, कोई आदमी जा रहा पूरा सामान लूट लिया करते थे। ऐसे ही अगर कोई आदमी आके कहा मेरा सारा सामान लूट गया, मुसाफिरों में मेरा सारा सामान लूट गया, गुम हो गया, या पैसे खर्च हो गए, कोई भी पैसे खर्च हो गए रास्ते में, तो उन तमाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस मद में से उनको भी खर्च कर सकते हैं आप। जी इब्ने सबील, कोई भी आके मुसाफिर कहा आप मेरी मदद कीजिए, तो आप वाकई अगर मुसाफिर लग रहा है, आप उसकी इब्ने सबील के अंदर आप उसकी मदद कर सकते हैं आप। इसी तरीके से अल्लाह ने कहा आखिर में फरीज़तम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला के फ़र्ज करदा अहकामात हैं, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह बड़ा जानने वाला, बड़ी हिकमतों वाला। चलिए यहाँ से 2-3 सवाल जो है मैं ख़ुद आपसे पूछता हूँ, फिर उसका जवाब देता हूँ। नंबर 1, क्या इन 8 मद में देना चाहिए? क्या इन 8 मद, अल्लाह ने कहा ना एक आदमी क्या 8 मद में खर्च करना है, क्या अगर आप 8 मद में दे सकते हैं तो दीजिए। अगर आपके अंदर जो है 8 मद में, पूरे मद में, मिसाल तौर पर 1 लाख रुपए ज़कात के पैसे थे, ठीक है, 12,000 इसमें, 12,000 इसमें, 12,000 इसमें, 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 ताकि तमाम लोग जो है ज़कात से मुस्तफ़ीद हों। बाज़ उलमा ने कहा कि 8 पे खर्च कर सकते हैं। क्या सिर्फ, दूसरा सवाल, क्या सिर्फ 1 पे दे सकते हैं? क्या गारिम है, वबनी सबील है, या इसी तरीके से जो है वलमुअल्लफ़तु क़ुलूब में, वलमस्कीन है कि मस्कीन, मसाकिन, फ़कीर, 1 को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई हरज की बात आपको नहीं है। इसी तरीके से इसमें से 2-3 भी दे सकते हैं, 5 छोड़ दिए, तो आप अपने हिसाब से किसी को भी दे सकते हैं आप। कोई उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि 8 को दें, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 को दें, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से देना चाहिए। बाज़ उलमा ने एक मसला इसमें छेड़ा है कि आपके ज़कात के पैसे आपके इलाके ही में खर्च होना। अब यहाँ ज़कात के पैसे जमा, मेरा, मैं भी जा रहा हूँ लंदन मिसाल तौर पर, अफ्रीका भी जा रहा हूँ, ये हिकमत के ख़िलाफ़ है। ये क्या है, ये हिकमत के ख़िलाफ़ है। हाँ, अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ से ज़्यादा, ऐसे कुछ इमरजेंसी आ गई कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है, कहर साली आ गई, जंग शुरू हो गई, भूखमरी आ गई, या और कोई बड़ा हादसा इंटरनेशनल लेवल पर आ गया, मरियाम, ऐसी सूरत में इन इमरजेंसी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ के ज़कात के पैसे कहीं और आप मुंतकिल कर सकते हैं। जैसा कि बाज़ उलमा ने इसकी सराहत की है ज़कात के पैसों के ताल्लुक से, ये भी जो है हमको क्या करना है, जहन में रखना है। अक्सर हम क्या करते, अब लेते छोड़ देते। चलिए ज़कात के मसले में एक और मसला है, आप पैसे निकाल दिए, कोई आदमी नहीं मिला, ताखीर हो गई, कोई बात नहीं, जब तक वो मुस्तहिक ना मिले आप ताखीर से अदा कर सकते हैं, बेहतर है कि वक्त पर आप अदा कर दें। कल भी जो इस मौजू पर जो मैंने आपको बात बताई थी।
तो ये चंद मोटे मोटे अहकामात थे ज़कात के ताल्लुक से। अगर आपको इन तमाम तीन दिन के बाद फिर भी अगर कोई सवाल छूट गया, कोई बात नहीं है, तो आपके पास 7 से 8 मिनट है, 11 बजे तक इंशाल्लाह सवाल जवाब की नशिश चलेगी। आप ज़कात के ताल्लुक से कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। नहीं, अगर यहाँ से ज़्यादा वहाँ ज़रूरतमंद महसूस कर रहे हैं अगर आप, तो दीजिए। अगर यहाँ खुद ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं आप, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। वो गांव वहाँ के लोग नहीं कर देते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ अगर ज़रूरतमंद नज़र नहीं आ रहे अगर आप, वो तो वहाँ भिजाइए जी। वही दो अजर है बताया था ना, अगर आप जो रिश्तेदारों को आप ज़कात देते हैं, मेरा दो अजर मिलेगा। और एक बात बताऊँ, अक्सर लोग रिश्तेदारों को ज़कात देना पसंद नहीं करते, रिश्तेदारों को ज़कात देना पसंद ही नहीं करते, जबकि शरीयत में इस बात की तरफ रहनुमाई की गई है कि उसको दो अजर मिलने वाला। अपने लोगों का ख्याल करना, अपने खून का ख्याल करना, ये बड़ा अहम मसला है जी। बताएं ना बताएं, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताएं ना बताएं, मिस्कीन को दे रहे ना आप, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बता कर दें तब भी उसके लिए हलाल है, बता कर ना दें तब भी उसके लिए हलाल है जी। जी जी, सैयद को ज़कात देना कैसा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने ख़ानदान वालों के लिए ज़कात को जो हराम करार दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तजूज़ु लना ला यहिल्लु लना, हदीस के अल्फाज हैं, हमारे लिए हलाल नहीं है कि हम सदक़ा खैरात खाएँ। अब हिंदुस्तान के अंदर जितने सैयद हैं, जितने सैयद हैं, ये एक्चुअली बहुत सारे सैयद हैं ना जेन्यून नहीं हैं, मोस्ट जेन्यून नहीं, उनका ख़ानदान, उनका नसब नबी के ख़ानदान तक नहीं जाता। मगर आप हो सकता है बहुत सारे हैं भी, ऐसी बात नहीं। अगर वो वाकई सैयद हैं तो उनके लिए हलाल नहीं है। अगर वो ऐसे ही समझ आप मोहब्बत में या जो सैयद हो गए हैं या बना दिया गए हैं, ऐसी सूरत में उनके लिए हलाल हो सकता है। वो लेने वाला फ़ैसला करना कि मैं वाकई सैयद हूँ, मैं वाकई सैयद नहीं हूँ, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई इल्म नहीं कि ये वाकई सैयद हैं या नहीं जी। इसके एहतमाम करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए जी। और कोई सवाल जी? बिल्कुल दे सकते हैं। मिस्कीन रहना, बच्चे के फीस में जमा कर देना, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, फीस में जमा करना, बच्चे के काम में आना, बच्चे की कफालत में देना जी। आप मदरसे को नहीं, डायरेक्ट मदरसा को नहीं दे सकते ज़कात। हाँ, काट लेके ले जा रहे हैं ना, अगर वो सही खर्च कर रहे हैं आप उनको दीजिए, अगर खर्च नहीं कर रहे, सही हिसाब किताब नहीं है ज़कात का उनके पास, उनको मत दीजिए आप डायरेक्ट कफालत लीजिए। मदारिस को उस सूरत में ज़कात दे सकते कि मदरसे वाले वो ज़कात के पैसे मुस्तहिक बच्चों पर खर्च करें, क्योंकि मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम मुस्तहिक हों जी। यतीम है, गैर यतीम है, ज़रूरतमंद जो भी हैं, तो मदारिस वाले उसका ख्याल रखते हैं अगर, तो आप उनको दे सकते, या नहीं तो डायरेक्ट मत दीजिए आप। आप बोले अगर कोई मिस्कीन यतीम है, हम उसकी कफालत करेंगे, आप कफालत कराइए उनकी। नहीं, सदाकत नामे के साथ आते हैं आप, सदाकत नामा किस जो है कैसा क्या, उनसे मालूमात कर लीजिए जी। और एक बात याद रखिए, जो भी हम सदका देंगे ना, आप मुस्तहिक को दीजिए, वाकई ज़रूरतमंद को दीजिए, उसके फ़ायदे ज़्यादा महसूस होंगे आप। अरे आप ऐसे ही जो पेट भरे को देंगे अगर, वो क्या करेगा, खर्च करेगा, ज़ाय करेगा, इधर उधर जो है हमारे पैसे को उड़ा देगा। तो आप हमेशा याद रखिए, मुस्तहिक को दें ताकि अच्छा डबल मिले, हमको सवाब ज़्यादा मिले। हम जो भी दे रहे हैं ना, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो, उसके लिए हम दे रहे हैं, अपना बड़कपन बताने के लिए नहीं दे रहे। तो हमारा ये टारगेट ही होना चाहिए कि हर हाल में हम क्या करें, वाकई मुस्तहक को दें
ताकि ये ज़कात के पैसे हमें दुनिया में भी अल्लाह ताला उसका बदला दे और आखिरत के अंदर भी अच्छा बदला दे हमको, इसका ख़ास ख्याल रखिए। ये फ़करा नहीं है सब, ये साहिल हैं, पूछने वाले मांगने वाले हैं ये लोग, फ़कीर भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप उनको ज़कात के पैसों से दें, कुछ पैसे सदक़ा के लिए अलग से रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के अलावा रमज़ान में मरियम आंधी की तरह खर्च किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुछ पैसे रखें, हदिया देने के लिए भी रखें। जी जी, तो जो जेवरात इस्तेमाल है जी, तो आपने जिन सऊदी सुल्तान के नाम भी लिया था जी, उनका कहना ये है कि जो इस्तेमाल शुदा जेवरात है उन पर ज़कात नहीं है, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीद लेते हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं। वैसा मैंने नहीं कहा आपको, आपने नहीं कहा। हाँ नहीं है, वो तो राशास कौल है। मैंने कहा जितने मुहद्दिसीन या किबारे उलमा हैं, कितने बड़े किबारे उलमा हैं, सब ने माँ आयशा की हदीस इस्तदलाल किया कि माँ आयशा के पास एक कंगन था। अल्लाह के रसूल पूछे इसकी ज़कात दिए क्या, जब इस्तेमाल शुदा कंगन ये अगर अल्लाह ताला पकड़ लिया तो क़यामत में, हम नहीं थी किसी वजह से अल्लाह ताला पकड़ लिया तो लिहाजा सेफ साइड रास्ता क्या है उस हदीस के जरिए में निकाल लें, अल्लाह और देगा हमको। अल्लाह के रास्ते में निकाल रहे हैं तो अल्लाह हमको छोड़ेगा थोड़ी, और देगा हमको। जी ये चल रहा है 20-25 साल से, मसले चल रहे हैं, कोई नया नहीं है ये। हाँ जी जी 25 साल से चल रहा है जी, मेरे इल्म की हद तक। हाँ जी जी, आदमी के पास जो सोना है जी उसमें साहिब निसाब है, एक वक्ती तौर पर मोहताज है उन्हें, ऐसी सूरत हाल में उन्हें अगर वो ज़कात, अभी बताया ना, अगर वो ज़कात नहीं निकाल सकता, ज़कात नहीं निकाल सकता बल्कि उल्टा ज़कात लेने का हकदार है, शेख साली हुसैन रहमतुल्लाह ने कहा अभी जो बताया मैंने उसको भी ज़कात दे सकते हैं, वो ज़कात ले सकता साहिब निसाब होने के बावजूद भी, वो मिस्कीन के ज़ुमरे में आ रहा है तो ले सकता है। जब वो तब फरागत हो जाती निकाल ले, आसानी हो गई, एक साल तंगी थी बहुत ज़्यादा परेशान था, दूसरे से अल्लाह ताला राहत दे दिया तो निकाल ले उसमें। वो कोई दे भी सकता है सदका वगैरह, जो भी पैसे मेरे पास आ गए ना उसके तसरुफात के इख्तियार मेरे पास हैं, है ना, तो मैं कुछ भी कर सकता आदमी। ज़कात वाजिब है ना, तीन शर्तें, कल नहीं पढ़े नए थे दर्स में आप, हाँ तो इसीलिए आपको छुड़ गया। ज़कात के लिए शर्तें मुसलमान होना, समझे आप, और जो है जेवर अगर है सोना चांदी अगर आप है या पैसा आपके पास है, एक साल का गुजरना, और जो पैसा और सोना चांदी जो भी है वो निसाब को पहुंचना। निसाब का मतलब क्या है, 85 ग्राम का सोना या पैसा आपके पास है, या 600 ग्राम चांदी के पैसा या जो है चांदी अगर आपके पास है, एक साल गुजर गया तो उस माल में से 2.5% ज़कात निकालना आपको ओवरऑल। जी जी बिल्कुल, एक साथ निकाल के दे देना 12 महीने के, जब आप ज़कात निकालेंगे अगर आप, एक साथ टुकड़े टुकड़े करके नहीं देना, कफालत ले लिया आप बिल्कुल बना सकते हैं, अगर मुस्तहिक रहना, जिस बच्चे की आप कफालत लेना चाह रहे वो वाकई मसाकीन में रहना, इब्न सबील में रहना, अल्लाह के रास्ते में मिस्किन की ज़िम्मेदारी, अगर वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जो बेनियाज बनाया है तो आप दूसरों की कफालत लें। दे सकते हैं आप, तोहफा दें आप उनको, तोहफा दें उनको, तोहफा दें, हदिया दें, तो ज़कात के पैसे से ना दें, अगर वो भी सैयद हो, अगर वाकई जी नहीं। अब देखो अगर आप वाकई सही समझ रहे हैं अगर आप, तो ज़कात नहीं दे सकते ना उनको, उनके लिए हलाल नहीं है।
आप दे भी देंगे तो वो नहीं खा सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते जी, इसका ख्याल रखिए जी। आखिरी सवाल है जी। 10 मुस्तहिक है, हाँ थोड़ा दे सकते हैं, जैसे कि 10,000 ही है, 10 मुस्तहिक है, तो एक बता दीजिए जी आप। लेकिन वो तो हाँ, अगर आप देखें 10 में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, जिसको देने से आइंदा साल वो मुस्तहिक ना रहे, आप उसको हेल्प कीजिए, समझ रहे आप, उसके लिए बैकबोन साबित होंगे आप, और इंशाल्लाह वो खड़ा हो जाएगा आइंदा साल कारोबार करने के लिए। सब नाराज़ की क्या बात है इसमें, सब ऐसी चीज़ आदमी के दिल में हिर्स आ जाए ना, सब नाराज़गी आती, लालच जा गया तो नाराज़गी आती जी। मोमिन को दें, अच्छे आदमी को दें, समझ रहे आप, दीनदार को दें, मुवाहिद को दें। अल्लाह के रसूल ने कहा ला याकुल तो आम अगर तकीन, तुम्हारा खाना मुत्तकी खाना बोले, क्यों, वो लोगों का भी शुक्रगुजार रहेगा, अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार रहेगा। तो इसलिए जो भी आप मुस्तहिक को ज़कात देना चाहते हैं, तो मुस्तहिक वाकई मोमिन दीनदार हो, या तालीफ़ कल्ब के लिए देकर उनको दीनदार बनाएं, आप जो बताया मैंने, आप तालीफ़ कल्ब के लिए देकर उनको उनको दीनदार बनाएं, दीन से करीब करें। दे सकते मरीज़ दे सकते हैं, मिस्किन में आएगा, मोहताज में आएगा, किसी भी आ सकता है वो, दे सकते, कोई हर्ज की बात नहीं। वही मुस्तहिक रहे ना, जिसको भी आप दे रहे हैं 8 में से कोसा मत है, आप सोच के दीजिए, आप ये 8 बातें याद कर लेना सब बराबर। अभी आजकल जो ज़कात के जो काम करते हैं ना, ज़कात को वसूल करते हैं, मेरे आप उनको दे सकते हैं आप, हाँ मिल ले सकते, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। जो ज़कात के मसाइल वगैरह का हल करते, कंप्यूटर चलाते, या जो पैसे वसूल करके दूसरों को देते हैं, ऐसे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, NGOs से हैं, मिलते हैं NGOs मिलते हैं, आप उनको दे सकते हैं आप, आमिलीन में नेमल मौला फाउंडेशन को भी आप दे सकते हैं जी। नेमल मौला फाउंडेशन भी क्या है, ज़कात लेकर दूसरे तक पहुँचाते हैं, तो उनके भी बहुत सारे खर्च आते हैं, ऐप का खर्चा है, आदमी का खर्चा है, फलां का खर्चा है, किसी भी आप दे सकते हैं, जो भी आप आमिलीन में जो इसको समझते हैं आप दे सकते हैं। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुभानकल्लाह व हम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।